ऐसे जो एक कांड हो गया भट्ट साहब के ऊपर, सेवन अप गिर गई है और भट्ट साहब को इस वक्त ठंड लग रही है। सॉरी यार भट्ट साहब, गर्मा गर्म मूंगफली खाई है और ये सर्दियों की बड़ी अच्छी सौगात है। अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, मी दिस इज योर अबूबकर सादिक, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज हम मिलने जा रहे हैं अपने एक बहुत ही अच्छे दोस्त ताहा भट्ट को। ताहा भट्ट इस वक्त अपने जॉब पर है और उसे अभी तक ऑफ नहीं हुआ है, तो मैंने उसे कॉल किया कि भाई मैं तुझे मिलने आ रहा हूँ, लेकिन वो कह रहा है कि भाई अभी वेट कर, मैं अभी वर्किंग कर, वर्क हो रहा है ना, मुझे पता है वर्क हो रहा है। तो मैं अब उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं घर से अभी तैयार श्यार होकर निकलने लगा हूँ। तो मैंने कहा कि पहले मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि अब हम आज जाएंगे ताहा भट्ट से मिलने के लिए और देखते हैं कि वो हमारा इस्तकबाल कैसे करता है, क्योंकि उसने अभी अपने ऑफिस से निकलना है और मैंने उसे अब उसके ऑफिस के गेट के सामने से ही पकड़ लेना है कि भाई आजा, बहुत दिन हो गया मिले। तो आपको पता ही है कि भट्ट भूखा हुए थे मारते हो, देखते हैं भट्ट साहब हमें क्या खिलाते हैं आज, क्योंकि भट्ट साहब के खाबे, भट्ट साहब खाने पीने के शौकीन लोग होते हैं। तो माशाल्लाह हमारे जो भाई हैं माशाल्लाह खुद खाते पीते घर से हैं और बहुत ही चीज़ें खाते रहते हैं, छोड़ हर वक्त उन्हें पता होता है कि लाहौर की कौन सी जगह पर कौन सी चीज़ मिलनी है, चिकन ने हरी कहाँ पर मिलनी है, पाए हमें कहाँ से मिलने हैं, हमें हलवा पूड़ी नाश्ता कहाँ से मिलना है। मैंने सोचा कि अब मैं भट्ट साहब को पकड़ता हूँ और उनसे कुछ खाते पीते हैं यार। सो गाइस, भट्ट साहब को हमने कॉल कर दिया, तो भट्ट साहब हमारा ऑफिस के सामने वेट कर रहे हैं और वो मुझे लगता है भट्ट साहब की कॉल आ गई है, भट्ट साहब की कॉल आ गई है। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, क्या हाल चाल है? जी जी भट्ट साहब, मैं बस रास्ते में हूँ, मैं बस निकलने लगा हूँ आपके लिए। हाँ बस थोड़ा सा वेट करें, मैं बस निकलने लगा हूँ। सो भट्ट साहब की हमारे कॉल आ गई, तो अब हम भट्ट साहब को मिलने जा रहे हैं। तो बाबा चाय पीने लग गए हैं, तो बाबा जी मैं भट्ट साहब से मिलने जा रहा हूँ, ठीक है? आप चाय पिए, आप इंजॉय करें ठंड को। तो आइए चलते हैं गाइस हम भट्ट साहब से मिलने के लिए। सबको आपने बड़ी मुश्किल से घेरा, भट्ट साहब को जब भी खाना खाने के लिए कहता है वो खाना खाने आगे गया होता है। तो पापा 15 दिन से भट्ट साहब इसको टाल रहे थे। ताहा साहब सुन लें, पापा को भी पता है, आज फिर इसने उसको काबू कर ही लिया। अब क्या खिलाता आपको? चलें अब भट्ट साहब के पास चलते हैं, लेट्स सी गाइस। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, गाइस भट्ट साहब हमारे पास आ गए हैं। तो भट्ट साहब क्या कर रहे हैं? चले आए, अब हम खाना खाने के लिए चलते हैं, तो लेट्स मूव। सो गाइस फाइनली अब हम रेस्टोरेंट पर आ गए हैं, तो भट्ट साहब हमारा फूड डिसाइड कर रहे हैं कि क्या खाना आप चाहिएगा। भट्ट साहब क्या डिसाइड किया आपने? यार मैंने डिसाइड किया है एक क्लासिक बर्गर। जी जी, एक क्लासिक बर्गर और माइटी बर्गर। एक माइटी बर्गर, और माइटी बर्गर जो है ना वो मैं आपको भी बताना चाहूँगा, मैंने पहले भी टेस्ट किया है, तब बहुत टेस्टी है। अच्छा जी, तो मैं तो आपको कहूँगा कि आप जो है ना क्लासिक से हट के माइटी पे आए जरा इस दफा। भट्ट साहब जो आपका दिल करता है ऑर्डर कर दें, हम तो आपके पास खाने के लिए आए हैं। आइटम है माइटी बर्गर, ठीक है? तो इस दफा माइटी टेस्ट करें। तो अब जो भट्ट साहब माइटी बर्गर का ऑर्डर देने जा रहे हैं, तो देखते हैं माइटी बर्गर हमारा कैसा आता है। After 30 minutes. ऑर्डर का वेट हो रहा है भैया। सो फाइनली व्यूअर्स हमारा एक घंटे के बाद ऑर्डर आ गया है और ऑर्डर हमारा बहुत ही टेस्टी लग रहा है मुझे, और क्या खुशबूएं आ रही है, और भट्ट साहब की स्ट्रीकें ऑन हो गई हैं, भट्ट साहब स्ट्रीकें बनाने लग गए हैं। भट्ट साहब स्ट्रीकें बाद में बनाते हैं, अब हम है। जी जी मुझे पता है ये काम जरूरी है, लेकिन अब हम खाते भी लगते हैं यार, बहुत भूख लग रही है, तो जी जी बिल्कुल खाना भी साथ साथ चलेगा। अब हम खाना खा लेते हैं, तो खाना खाने के बाद आपको मिलते हैं व्यूज, क्योंकि खाने के दरमियान मैं अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, और भट्ट साहब तो वैसे ही डिस्टर्ब होते हैं, कह रहे थे मुझे आगे, कह रहे थे कि भाई खाना खाने के दरमियान कोई व्लॉगिंग नहीं, कोई कैमरा ऑन नहीं करना। तो मैंने कहा कि चलें अब हम कैमरा ऑफ करके खाना खाएंगे, तो खाना खाने के बाद मिलते हैं। तो गाइस हमने अपना खाना वगैरह खा लिया है, तो बर्गर वाकई बहुत टेस्टी थे, और एक कांड हो गया भट्ट साहब के ऊपर, सेवन अप गिर गई है और भट्ट साहब को इस वक्त ठंड लग रही है। सॉरी यार भट्ट साहब, भट्ट साहब को ठंड लग रही है और इनकी हालत, और ये जल्दी से कह रहे हैं बिल कर दो यार, अब मैं घर जा रहा हूँ। तो चले चलते हैं यार, भट्ट साहब मोबाइल पकड़ लेना दोनों, तो हम बिल करवाते हैं, नीचे से बिल हो जाएगा, मोबाइल पकड़ लो, और कोई चीज़ तो नहीं है, तो भट्ट साहब आ जाएं, ज़्यादा ठंड लग रही है तो गर्मी ना एक्चुअली है बहुत ज़्यादा। जी जी, तो इसलिए ना ऊपर से बोतल काफ़ी अंदर तक चली गई है, ब्रदर बिल करना। तो वो बिल लेकर नीचे चलेंगे, तो अभी हम भी नीचे जाते हैं,
तो अपना बिल चेक करते हैं। तो अब हम जाएंगे चाय पीने के लिए, है ना भट्ट साहब? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि सर्दी दूर करनी है तो चाय नहीं करनी है, ठंड तो चलते हैं चाय पीने के लिए, लेट्स गो गाइस। सो गाइस फाइनली अब हम खाना वगैरह खा के अब फ्री हो गए हैं बिल्कुल, भट्ट साहब को अब लग रही है बहुत ही ठंड, तो भट्ट साहब के चाय का प्लान भट्ट साहब ने कैंसिल कर दिया, तो अब हम जा रहे हैं अपने अपने घर। और ये सर्दियों की बड़ी अच्छी सौगात है जी, और थोड़ी सी खा के फिर हम लोग घर निकल रहे हैं। हाँ जी, और अब हम अपने अपने घर जा रहे हैं, तो व्लॉग हमारा होता है यहाँ पर दी एंड। तो बहुत मजा आया यार आप लोगों से मिल के, तो आपसे ही मिल के। तो गाइस अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हमारा वेट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।